जिला कलेक्टर के नवाचार म्हारो पाली हरियालो पाली अभियान का हुआ आगाज। पर्यावरण संरक्षण एवं मतदाता जागरूकता स्वीप के तहत 40,000 पौधों का होगा वितरण। शुभारंभ कार्यक्रम में 3,000 पौधों का किया वितरण, ली सेल्फी। युवाओं को दिलाई मतदान की शपथ। मतदाताओं को जागरूक व प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वीप के पोस्टर का किया विमोचन। पाली जिले को हरा भरा बनाने की दिशा में जिला कलेक्टर नमित मेहता के नवाचार म्हारो पाली हरियालो पाली अभियान का आगाज शनिवार को बांगड़ विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम से हुआ। अभियान के तहत जिले में 40,000 पौधों का वितरण व रोपण किया जाएगा। इस अवसर पर शुभारंभ कार्यक्रम में लगभग 3,000 पौधों का वितरण विद्यार्थियों व आमजन को किया गया। अतिथियों ने म्हारो पाली हरियालो पाली के सेल्फी पॉइंट पर पौधे के साथ सेल्फी ली। संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी ने संबोधित करते हुए कहा कि इन पौधों के वितरण व रोपण के बाद सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। सभी को एक पौधा लगाकर परिवार का सदस्य मानते हुए संचित करना चाहिए, यह जीवन की अमूल्य चीज है। उन्होंने कहा कि पाली हरा भरा हो व प्रदूषण से मुक्त हो, इसके लिए यह अभियान अहम साबित होगा। जिला सत्र एवं सेशन न्यायाधीश श्री एमएल सुथार ने कहा कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं इस ऑक्सीजन के महत्ता हमने कोविड के समय में देखी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुमूल्य साबित होगा। जिला कलेक्टर श्री मेहता ने कहा कि जीवन में विशेष अवसर पर एक पौधा लगाए एवं उसकी देखरेख करने का संकल्प ले। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद म्हारो पाली हरियालो पाली अभियान को सफल बनाने एवं विद्यार्थियों युवाओं को पौधा लगाने एवं उसके देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक श्री गगनदीप सिंगला, जिला परिषद सीओ श्रीमती दीप्ति शर्मा, डीएफओ श्री पी बालामुरुगन, प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी श्री राहुल शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। आज स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ पर है, इन सबको मैं विशेष रूप से संबोधित करते हुए, ये जो पूरा प्रोग्राम है जिसमें वृक्षारोपण और मताधिकार का प्रयोग, इन दोनों को मर्ज करके कार्यक्रम करने का सोचा गया। और दोनों ही अगर आप सोचे तो एक इस सृष्टि को संजोए रखने के लिए, उसके संरक्षण के लिए आवश्यक है, और दूसरा अपने देश के को मजबूत बनाने के लिए, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। तो इन दोनों को मर्ज करते हुए इस कार्यक्रम को किया गया है। और पेड़ों की उपयोगिता के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि डीजे साहब ने, आरओ साहब ने, एसपी साहब ने बहुत विस्तृत रूप से इस पे आपको बताया और आपको पता भी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आप अभी इस टेंट के नीचे बैठे हैं, और इसके टेंट के नीचे बैठने की वजह यह है कि यहाँ पेड़ नहीं है। और आप अगर अपने जो बैठे वो अपने राइट में देखेंगे, मैं लेफ्ट में देख रहा हूँ, तो जहाँ पेड़ है वहाँ लोग आराम से बैठ पा रहे हैं। तो एक पेड़ आपको कितनी सारी चीज़ें देता है, ये शायद ही और कोई इतना दे सके। आपको छाव से लेकर फल, सब्ज़ी, दवाइयाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ, सब कुछ पेड़ आपको देता है, आपका जल स्तर बढ़ाता है। तो पेड़ों को लगाने के संबंध में हमेशा हम सबको कोशिश करते रहना चाहिए, और ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट अपने जन्मदिन पे या अपने परिवार के जन्मदिन पे एक पौधा आवश्यक रूप से अपन लगाए। और न केवल लगाए, क्योंकि पेड़ लगाना आसान होता है, लेकिन पेड़ों को लगा के और उसको ये कोशिश की जाए कि वो पेड़ अपना मूल स्वरूप ले और बड़ा वृक्ष के रूप में बने, ये सब हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए।